दोस्तों एंगल लगाने के लिए हमें चाहिए एक पेचकस, कुछ पेच और ये गिट्टी। ये प्लास्टिक की हो सकती है, चाहे तो आप इसको लकड़ी की भी काट कर बना सकते हैं। हैंगर, हथौड़ी, ड्रिल मशीन। और ड्रिल मशीन में देखिए दोस्तों, ये जो बिट होती है ना दीवार वाली, ये होनी चाहिए 6 mm या 2 सूत की। और हमें पेंसिल भी चाहिएगी मार्किंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये दीवार पे जब भी आप लगाओगे तो सबसे पहले आप देखना है, ये दीवार पे आपने माउंट करना है और इसको देखना है टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, ऐसा है इस तरीके का नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। तो उसके लिए जैसे ही आप स्ट्रेट करेंगे, उस पोजीशन पर जाकर आपने ये भी देखना है भाई, हाँ हमारा ऊपर कोई टांगने में, कुछ चीज़ हैंग करने में कोई अड़चन तो नहीं है, या कुछ ऊपर ऐसा वो तो नहीं है, कुछ स्लैब टाइप। तो इस सीधा करने के बाद आपने ये जो है मार्किंग करनी है पेंसिल से। पेंसिल से आप मार्किंग कर सकते हैं, तो आप इसको पूरा लेवल में देखिए। सीधा करने के बाद ये मार्किंग करनी है आपने, जहाँ जहाँ इसके स्क्रू लगते हैं। तो दोस्तों ये मैंने मार्किंग कर ली है और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक मार्किंग यहाँ हुई है, एक मार्किंग यहाँ हुई है। तो आप पोजीशन अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ऊपर नीचे अपने हाइट के हिसाब से। मार्किंग करने के बाद में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। मार्किंग ठीक तरीके से लगाइए, ऊपर की मतलब कुछ भी चीज़ है वो देखना है आपने, कोई हैंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, कुछ स्लैप लैप है तो उसके नीचे हम अगर हैंग कर देते हैं तो उसमें कई बार दिक्कत हो जाती है। ड्रिल मशीन दोस्तों आपने लेनी है, और गिट्टी है जितनी लंबी गिट्टी है उतना ही आपने ड्रिल से होल करना है। ये देखिए, तो इतना ही होल कीजिए, अगर आप बड़ा करेंगे तो गिट्टी दीवार के अंदर ही घुस जाएगी, तो ये इतना ही आपको होल करना है जितनी बड़ी गिट्टी है। चलिए दोस्तों मैं आपको होल करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। और ड्रिल मशीन सीधी रखनी है आपने, जो होल करना है वो दीवार में स्ट्रेट ही करना है, तो वो कुछ टाइम लगेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो ड्रिल मशीन है वो आपने सीधी चलानी है, और उतनी ही चलानी है जितनी लंबी आपकी गिट्टी है। या तो आप गिट्टी लगा सकते हैं प्लास्टिक की जो रेडीमेड मिलती है, और या फिर आप कोई लकड़ी का पीस उसके साइज़ का काट कर उसमें लगा सकते हैं, जिसमें कि आपका पेच जो है वो बढ़िया तरीके से स्क्रू टाइट हो जाए। तो एक होल में कर चुका हूँ, ये सेकंड वाला मेरा होल होने वाला है दीवार में बढ़िया। तो गिट्टी लगाएं या फिर आप वुडन का पीस लगाएं, वो एक ही काम करता है। और पेच जो लेने हैं आपने गिट्टी के अकॉर्डिंग ही लेने हैं, ऐसा ना हो गिट्टी ज़्यादा छोटी हो और पेच उससे लंबा हो, तो वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मतलब पेच हमारा गिट्टी के अंदर ही अंदर बढ़िया तरीके से टाइट हो जाए, इस तरीके से आपने गिट्टी और पेच का कॉम्बिनेशन लेना है। तो मैंने अभी लिए हैं 1.5 इंची मेरे पेच हैं, और उसके हिसाब से गिट्टी मिल जाती है इजीली। तो ये दो देखिए दोस्तों, ये दो मैंने होल कर दिए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें कुछ डस्ट हो तो वो आप निकाल लीजिए, और गिट्टी ले के और जो है उसमें हथौड़ी से प्रॉपर तरीके से आप फिट कर दीजिए। बिल्कुल बढ़िया फिट होगी अगर आपने उसके साइज़ का होल किया है और ज़्यादा गहरा होल नहीं है। तो लकड़ी का पीस नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास गिट्टी अवेलेबल है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने गिट्टी रखी है, और ये प्यार से, मतलब ये बिल्कुल ही फ्री जानी चाहिए, इतनी लूज़ भी ना हो ना इतनी टाइट हो कि ज़्यादा इसमें हमें ठोक ना पड़े, तो ये इजीली चाह चुकी। अब आपने क्या करना है, हैंगर में दोनों तरफ पेच लगाने हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये पेच लगाने का है, हल्का सा इसमें हथौड़ी मारेंगे ताकि दो चूड़ी पेच की लगभग, मतलब कल 5 mm उसमें फंस जाएगा, खाली गिट्टी में पेच फंसना चाहिए। तो ये मैंने दोनों पेच फंसा लिए हैं, बढ़िया तरीके से फंसाए हैं बिल्कुल। ये देखो दोस्तों, अब हमें क्या करना है, जो पेच हमने लगाए हैं एक बार दोबारा हम इसकी डायरेक्शन देख लेंगे, ऐसा ना हो ऊपर नीचे या टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और आपने ये स्क्रू ड्राइवर लेना है ठीक बढ़िया तरीके से, और इसको अच्छी तरीके से टाइट करने हैं पेचों को। पेचों को दोस्तों इसीलिए हम लगाते हैं, वैसे तो कील भी यूज़ हो जाती है, बट कील में क्या होता है, इनके इसमें कील में हम वापस इसको निकाल नहीं सकते। और ये स्क्रू में क्या होता है, पेच खोलो अपना कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, हटाना हो तो हटा ले। जैसे कई बार होता है हमारे पे घरों में रंग पेंट होता है, तो वो हम चाहते हैं कि भाई इसके पीछे थोड़ा सफाई हो जाए, तो वो पेच खोल के इजीली रिमूव हो सकता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप पेच ही लगाएं। पेच वो हार्ड वाले भी आते हैं आजकल ब्लैक कलर के, तो वो भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। बाकी ये मैंने 1.5 इंची वाले जो मेरे पास पुराने पेच पड़े हुए थे, मैंने वो लगाए हैं। तो ये मैंने बढ़िया तरीके से इसको टाइट किया है,
ये मैंने टाइट कर लिया है। और ये देखिए दोस्तों, ये मतलब अच्छी तरीके से मजबूती से टाइट करो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कितने भी आप कपड़े टांग सकते हो अपने इसके हिसाब से। और दोस्तों इसमें ना कुछ भारी चीज़ ना टांगे, जैसे कई बार क्या होता है थैला हो गया उसमें मेटल के कुछ पेच या कुछ भी भरा हुआ है तो वो नहीं टांगने आपने, ये कपड़ों के लिए बना होता है तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये इसका प्रॉपर तरीका।